17/1/2020 को मुख्यमंत्री के द्वारा उद्घोषित जल जीवन हरियाली, नशा मुक्ति, बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन के लिए जो कार्यक्रम चल रहा है, इसके तहत मध्य विद्यालय में हिलसा से प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी, विद्यालय के छात्रगण एवं शिक्षक उपस्थित रहे। हरियाली होगी, जल जीवन हरियाली होगी। आज 17 जनवरी 2020 को आप देख सकते हैं मध्य विद्यालय मई हिलसा नालंदा के उत्साहित बच्चे, छात्र छात्राओं, शिक्षकगण सभी ने पूरे हिलसा शहर को जागरूक करने का कार्य किया है। और हम सब जितने भी यहां पे शिक्षकगण मौजूद हैं, पंकज सर हैं, सुधा मैम हैं, सिंपल मैम हैं, सभी और जितने भी उत्साहित बच्चे हैं, सभी आप तमाम लोगों से यह आग्रह करता है कि परसों 19 जनवरी 2020 को 11:30 बजे से 12 बजे के दिन में सभी अभूतपूर्व मानव श्रृंखला का निर्माण कर बाल विवाह, दहेज प्रथा, नशा मुक्त समाज और साथ ही साथ जल को संरक्षित करके और हमारे धरती पर हरित आवरण का निर्माण करके, पेड़ लगाकर और पेड़ को संरक्षित करके जो 19 जनवरी 2020 को मानव श्रृंखला बनना है, उसको अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बनाने का कार्य करें। एक बार सब बोलेंगे, जल जीवन हरियाली होगी, जल जीवन हरियाली होगी। स्वस्थ रहना है तो पेड़ लगाए। 19 जनवरी को मानव श्रृंखला बनाए। स्वस्थ रहना है तो पेड़ लगाए। 19 जनवरी 2020 को मानव श्रृंखला बनाएं। क्या नाम है आपका? वैष्णवी कुमारी। कहां से अभी आई हैं? अभी मानव श्रृंखला से आई। मानव श्रृंखला का पूर्वाभ्यास करके आई हैं। कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। क्या क्या मुद्दा के साथ आ जाए, क्या मुद्दा है इसके लिए? इसके लिए कि लोग बाल विवाह ना करें और नशा मुक्ति समाज ना रहे, खत्म हो जाए। आप बताइए। मुस्कान कुमारी। मुस्कान कुमारी जी, आपने मानव श्रृंखला में भाग लिया, किस लिए? इसलिए कि क्या रोकना चाहती हैं? पेड़ रोकना चाहती हैं और पेड़ लगाएं, बारिश से। अच्छा, जल बचाना चाहती हैं और बाल विवाह ना हो। बाल विवाह ना हो। आप बताइए। खुशी कुमारी। खुशी जी, आप क्यों मैं रैली में शामिल हुए? बाल विवाह ना हो और दहेज ना हो और नशा मुक्त हो जाए और पेड़ पौधे लगाए और जल बचाए। आप बताइए। नीतू कुमारी। हाँ, क्यों मानव श्रृंखला के लिए क्या तैयारी किया जा रहा है, बताइए? दहेज ले रहा है वो हम लोग बंद करने के लिए और नशा मुक्त बंद करने के लिए। और बात हैं कि तमाम छात्राएं भले ही उम्र में कम है, अभी व्यस्क नहीं हुए हैं, परंतु आप निश्चित रूप से आप इनके चेहरा है यह बयान कर रहा है कि आज समाज की सभी लड़कियां जागरूक है दहेज प्रथा के खिलाफ, बाल विवाह के खिलाफ, नशा मुक्त समाज निर्माण करने के लिए आगे बढ़ चुकी हैं। साथ ही साथ इनके मन में एक स्वप्न है कि हमारे बीच शुद्ध पेयजल हो, किसानों के लिए सिंचाई के लिए जल हो, हमारा भूमिगत जल बना रहे और जो जल है वो संरक्षित रहे। इसके लिए यह हम तमाम लोग कृत संकल्प हैं जल को संरक्षित करने के लिए। और साथ ही साथ अब कह सकते हैं कि हमारा पृथ्वी का जो आभूषण है हरित आवरण, पेड़ पौधे लगा कर हम एक हरित समाज का निर्माण कर खुशहाल, सुरक्षित व स्वस्थ समाज का निर्माण करेंगे। एक बार अंत में बोलेंगे, जल जीवन हरियाली होगी। जीवन में खुशहाली होगी।
इसी बात के साथ आप तमाम लोग 19 जनवरी 2020 को ऐतिहासिक मानव श्रृंखला के लिए पहुँचें और एक खुशहाल समाज का निर्माण करें। धन्यवाद।